हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में आपका स्वागत है। स्वागत कर रहा हूँ मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से। सुबह के 6:30 बजे हैं। सुबह सुबह हम विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए थे, दर्शन करके आ गए हैं और अब हो रही है पेट पूजा। पेट पूजा में पहले हमने खाई है ये कचौड़ी, और कचौड़ी के बाद में ये पोहा खा रहे हैं। ये यहाँ पर जिस तरह से पोहा इन्होंने बनाया है, ऑयली बहुत है। और उसके बाद में वहाँ मेदू वड़ा दो ऑर्डर किए, तो उन्होंने डिप किया हुआ है सांभर में, तो मेदू वड़ा खाएंगे। और इसके बाद में जब पेट पूजा हो जाएगी तब चलेंगे 80 घाट। तो 80 घाट की आरती मिलेगी कि नहीं मिलेगी नहीं पता है। 80 घाट की आरती मिलेगी कि नहीं मिलेगी नहीं पता है, लेकिन 80 घाट में टाइम स्पेंड करेंगे। हम और श्वेता आए हैं, मम्मी अंकिता और दोनों बच्चे सो रहे हैं। हम हैं इस समय 80 घाट में। सुबह सुबह यहाँ 80 घाट की आरती होती है। हम जब आए तब आरती हो चुकी थी और यहाँ कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। श्वेता दिखाना, ये सुबह बनारस करके यहाँ पर सुबह सुबह लोग आते हैं, बच्चे भी यहाँ स्केटिंग वगैरह सीख रहे हैं। और ये है 80 घाट का नज़ारा, गंगा माई के दर्शन सुबह सुबह के। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, कि हम आए तब हमें सुबह की आरती यहाँ की नहीं मिल पाई, जब तक हो चुकी थी, क्योंकि सुबह विश्वनाथ जी के दर्शन में थोड़ा टाइम लग गया। और क्योंकि बारिश का महीना है, आज है 14 जुलाई, तो गंगा जी के जल स्तर में भी वृद्धि है। अस्सी घाट से आ गए हैं वापस अपने गुदौलिया चौराहा, और वो हमारा रूम। और ये नजारा है गुदौलिया चौराहा का सुबह के 8 बजे। ये जाता है दशाश्वमेध घाट के लिए रास्ता, और यहाँ से लेफ्ट लेकर के गेट नंबर 1 भी है मंदिर का, विश्वनाथ जी का। और यहाँ से ये कॉरिडोर वाला रास्ता, यहाँ से ऐसे जाकर के यहाँ से 500 मीटर है, यहाँ से पास पड़ता है। जब पापा चले गए तब मौसम सुहाना हुआ है, पापा ने 2 दिन कड़ी गर्मी में घूमा है, आज हम लोग इस सुहाने मौसम में घूमेंगे। और कभी कभी रिम बूंदाबांदी हो जाती है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अकेले आए थे और 2 दिन से मम्मी अंकिता पापा कबीर मीरा के साथ घूम रहे हैं, तो अकेले घूमने में मजा नहीं आ रहा। बस 80 घाट में आधे घंटे बैठे और चले आए। अब वो लोग सब सो रहे हैं, उनको जगाते हैं और फिर साथ में घूमने निकलेंगे। आज दर्शन का दिन तो है ही, साथ ही आज यहाँ लोकल फूड ट्राई कर रहे हैं और शॉपिंग का दिन है। तो मैंने ऑफिस के काम किए रूम में रह करके, और मम्मी श्वेता अंकिता वगैरह शॉपिंग करती रहीं, अभी आई। अब 3 बज गया है तो अब फिर निकल पड़े हैं हम। फिर जा रहे हैं बोटिंग करने। एक बार ये लोग बोटिंग कराए हैं, लेकिन अभी मैं इस बार आया जब से बोट में नहीं बैठा हूँ, तो एक बार फिर दोबारा हमारे साथ में ये लोग बोटिंग करेंगे। कभी कितने बार बोटिंग हो जाएगी। जो बनारस का स्वाद बसता है वो ऐसी गलियों में बसता है। मेन रोड में आपको नाम बड़े मिलेंगे, लेकिन कई बार आपको दर्शन छोटे भी हो जाएंगे। बिना बर्फ की लस्सी इन्होंने दी नहीं, तो मजबूरी में छोटी वाली फिर ले ली है, क्योंकि गले में ठंडक लग जाए और गला मेरा है सेंसिटिव। लस्सी ठंडी बहुत ज़्यादा थी और हल्की सी, खट्टी भी थी और शक्कर बहुत पड़ी थी, इसलिए तीनों चीज़ों की वजह से मेरे लिए अच्छी नहीं थी। आप लोगों के लिए हो सकता है वो अच्छी हो। 7:30 बज गया है और अब श्वेता अंकिता कबीर लोग जा रहे हैं गंगा घाट, और मैं जा रहा हूँ कबीर चौरा, कबीर दास जी के मठ जहाँ उनका लालन पालन हुआ था। तो अगर खुला होगा जा सकते हैं तो आपको दिखाते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। हम आ गए हैं काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। काल भैरव मंदिर कहते हैं कि शिव के त्रिशूल में काशी टिकी हुई है, काशी के राजा हैं शिव और काशी के कोतवाल हैं काल भैरव। आ गए हैं हम काल भैरव जी के दर्शन के लिए और शांति से दर्शन हो रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन काल भैरव जी के दर्शन के लिए गए तो वहाँ आरती शुरू हो गई, तो आरती दर्शन भी हो गए। रात के 8:30 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं कबीर मठ। ये पतली सी गली जा रही है, मेन रोड से 250 मीटर अंदर है कबीर मठ, और ये हमारे राइट हैंड साइड पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेफ्ट हैंड साइड पर कबीर मठ। मुझे लग रहा है ये जो दीवार दिखने लगी ये कबीर मठ की ही है। भैया कबीर मठ के लिए कहाँ से जाएंगे? सीधे जाइए, सीधे
अभी खुला होगा? हाँ खुला है। अच्छा हम आ गए हैं कबीर मठ, क्योंकि हमें लेट हो गया है इसलिए सब कुछ बंद है। और ऐतिहासिक जगह है और मैं न्याय नहीं कर पाया इस जगह को लेकर के, क्योंकि आज ही हमारी 11 बजे की ट्रेन है। और दुख की बात यह है कि पहले मैंने बनारस का 2 दिन का प्रोग्राम बनाया था, फिर तीसरा दिन इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि मैंने कबीर दास जी की जो निशानियाँ हैं वहाँ हम लोग जाएंगे, बट नहीं जा पाए। यहाँ पर भागीरथ जी मिल गए हैं, मतलब मिल के गए हैं, कमरे में थे तो हम इनको रोशनी में यहाँ ले आए हैं। तो आश्रम की परंपरा और कुछ कबीरदास जी का बचपन और जो भी वो होगा वो बताने की, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। भागीरथ जी कबीरदास जी के बचपन के बारे में बताएं और इस आश्रम की गतिविधियों के बारे में। देखिए कबीर साहब का बचपन अगर आप पूछते हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि कबीर साहब यहाँ से 4 किलोमीटर दूर लहरतारा एक जगह है काशी में जहाँ वो पाए गए थे, और वहाँ से उठाकर नीरू नीमा ने यहाँ पर लाया, यहाँ पर मतलब कबीर चौरा मठ मूलगादी वर्तमान में जिसका नाम है। और कबीर साहब का जो जन्म है वो 1398 से हम प्रारंभ मानते हैं। तो कबीर जी यहीं पे रहते थे, बचपन उनका यहाँ बीता, ये जो जगह है जहाँ आप खड़े हैं ये उनका लालन पालन स्थल और कर्म स्थल ही है। कबीर साहब का बचपन एक सामान्य बच्चे की तरह ही बीता था, और हम लोग जो कबीर परिचय में देखते हैं तो उसमें आनंददास जी ने कहा है कि कबीर जी का जो बचपन बीता एक सामान्य बालक की तरह बीता, वो भी खेलते कूदते थे, लेकिन जब 20 वर्ष के हुए तब उनको आत्मज्ञान हो गया था। तो यहीं रहकर उन्होंने अपने ज्ञान को फैलाया, यहाँ से बाहर गए, तो ये उनकी मूल जगह है। जैसे हमने अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा है कि ऐसी मान्यता है कि दंती कह सकते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था जन्म, और फिर जुलाहा मुस्लिम परिवार के नीरू और नीमा। तो ये, क्योंकि मुझे आपकी परंपरा का उतना ज्ञान नहीं है, तो क्या ये परंपरा भी आपकी यही मानती है? नहीं, हम लोग इस बात को एकदम से खारिज करते हैं। अच्छा, अगर ठीक है, एक परंपरा है जो ये मानता है कि कबीर सब अवतार लिए, अगर अभी इस बात को हम साइड भी कर दें, अवतार लिए नहीं लिए, लेकिन अगर हम जन्म की बात करते हैं तो कबीर साहब लहरतारा तालाब में पाए गए। अगर ये आप कहेंगे कि विधवा ब्राह्मणी उसकी माँ थी तो फिर उसके पिता का भी हम पता लगा सकते हैं, वो तो ओपन हो गया ना, खुल गया बात, लेकिन ऐसी नहीं है। लोग एक परंपरा है जो ये कहती है कि विधवा ब्राह्मणी, लेकिन हम लोग एकदम से इसको खारिज करते हैं। जी, क्योंकि कबीर जी ने भी इस बात को कहा है कि वो न तो हिंदू है ना मुसलमान है। कोई पूछा उनसे तो वो कहते मैं न हिंदू कहूँ तो हूँ, नहीं मुसलमान भी नहीं। तो ऐसे महापुरुष को किसी एक जाति विशेष से उत्पन्न हुआ बताना, ठीक है वो मनुष्य थे, कोई मार रही होगी वाला, नहीं, लेकिन नीरू नीमा के बालक मानते हैं आप? नहीं मानते? नहीं, उनके भी बालक हम अच्छा, मानते हैं, पालन करता मानते हैं। ओके, ठीक, तालाब से उठा के लाए, पालन करता, उनके पालन पोषण करने वाले माता पिता हैं। ठीक। तो आप लोग मानते हैं कि वहाँ उनका अवतार? देखिए अवतार की बात एक अलग है, ये एक आध्यात्मिक चीज है, उसको हम किनारे कर दें क्योंकि आज के लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो हम ये मानते हैं कबीर साहब लहरतारा तालाब में पाए गए। अच्छा, ये तो तथ्य है, वहाँ पर लहरतारा आज भी है, तालाब है, स्मारक है, वहाँ पाए गए और नीरू नीमा ने उठाकर। समझ गया, मैं आपकी बातों को समझ गया, आप बिल्कुल सही है। नीरू नीमा जी का घर जो है, जो जुलाहा दंपति थे, उनका कहाँ पर एक्चुअली में पुराना? इसी कैंपस में एक दूसरा पार्ट है। अच्छा। जहाँ पर उनका पुराना घर था। अच्छा। और वहीं पर उनका बचपन भी था। कितना दूर होगा यहाँ से? लगभग बस ये 150 मीटर की दूरी पर, इसी सेम कैंपस में, इसी कैंपस का एक दूसरा पार्ट है। तो जैसे ये इतना वो है, तो क्या नीरू नीमा का इतना ही बड़ा घर था या बाद में विस्तार किया गया? नीरू नीमा का घर बहुत छोटा था। अच्छा अच्छा, बहुत ही छोटा था, क्योंकि वो मुस्लिम जुलाहे थे और आप समझ रहे हैं एक सामाजिक स्थिति से देखकर गरीब और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया। घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या कबीर साहब के प्रभाव से, कबीर साहब जब आत्मज्ञान हो गया, सत्संग करने लगे, तो लोगों ने उनके लिए इधर फिर एक सामने जो मंदिर आपने देखा बीजक मंदिर, वहाँ उनके बैठने के लिए चबूतरा बनाया गया। अच्छा, और उसी चबूतरा पर बैठकर वो सत्संग करते थे, इसीलिए क्षेत्र का नाम कबीर चौरा पड़ा उस चबूतरा से। चौरा मतलब चबूतरा। अच्छा। कबीर चौरा, चबूतरा और कबीर चौरा। और यहाँ पर वो जो मंदिर है वहाँ पर उनकी पुरानी चीजें रखी है, कबीर साहब जिसका उपयोग करते थे, उनका खड़ा हुआ है, उनका चरखा है, लकड़ी का घड़ा है। एक्चुअली आपकी परंपरा के हिसाब से तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत बड़ा प्रशंसक, भक्त, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि बचपन से हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में भी रहा तो पढ़ते रहे, और बहुत ही वो धर्मनिरपेक्ष बातें करते हैं। तो इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं आऊं, देखूं, क्योंकि वैसे तो देश और दुनिया में कबीर परंपरा के आश्रम हैं, तो मेन आश्रम उनका यही हुआ। हाँ, अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो हम तो यही कह सकते हैं कि कबीर चौरा मठ मूलगादी जो उनकी कर्म स्थली है, पूरा जीवन यहीं रहकर उन्होंने साधना की, कर्म किया, तो मूल स्थान तो यही है।
जल्दी उठना पड़ता है, 5 बजे प्रार्थना होती है, 5 बजे प्रार्थना से हम लोगों की दिनचर्या प्रारंभ होती है, फिर सब लोग अपनी कार्य में व्यस्त होते हैं, फिर शाम को 7 बजे यहाँ पर कबीर बीजक का पाठ होता है। अच्छा अच्छा, कबीर बीजक कबीर साहब का मूल ग्रंथ है, और पुस्तक के रूप में शाम को 8 बजे फिर प्रार्थना होती है और मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, और अभ्यास साधना के लिए सब लोग अपना अध्ययन कर रहे हैं, कबीर साहब को जानने समझने का प्रयास करते हैं। उनके समर्थक चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स आते होंगे यहाँ पर, तो उनके रुकने की व्यवस्था और वो सब है? हाँ, रुकने की व्यवस्था है, लेकिन पुराना आश्रम है तो उस तरह की सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन है जैसा है हम लोग उपलब्ध कराते हैं, उपलब्ध कराते अगर हैं। हमारे पास उपलब्ध रहती है तो हम लोग उनको देते हैं, रुकने के लिए भी देते हैं। कुछ सालाना कार्यक्रम भी होते होंगे बड़े जलसे? सबसे बड़ा कार्यक्रम हम लोगों का कबीर जयंती है, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा में पड़ता है। इस वर्ष हम लोगों ने 625वीं कबीर जयंती मनाई, जो 4 जून को पड़ा था। अच्छा अच्छा, तो इसी कैंपस इसी, इसी कैंपस में तब काफी लोग? हाँ, पूरा कैंपस भर जाता है, बहुत से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। तो थोड़ा सा कुछ आइडिया मिल गया एक्चुअली। वैसे तो मैंने आज का पूरा दिन कबीरदास जी के लिए रखा था, लेकिन ऐसा फंस गया एक्चुअली। कबीरदास जी की 2 निशानियां यहाँ पर हैं, एक तो ये मठ हो गया और एक लहर तारा जहाँ पर वो पाए गए, तालाब, तो था कि दोनों जगह जाएंगे, लहर तारा तो नहीं जा पाए, यहाँ पर भी आए तो मंदिर वगैरह बंद हो गए, लेकिन थोड़ा प्रभु जी के माध्यम से कुछ बातें बताई। विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ 1 किलोमीटर में नो एंट्री रहती है, ई रिक्शा, ऑटो, कार कुछ भी नहीं आ सकती है, सिर्फ सिटी बस आती है या साइकिल वाला रिक्शा आता है। तो कबीर मठ से आए बेनिया बाग तक ई रिक्शे में और वहाँ से इस रिक्शे में बैठ गए, पहली बार बैठे हैं और चेन भी उतर गई, और इसलिए पहली बार कि ई रिक्शे में तो साइकिल रिक्शे में तो कई बार बैठ चुके हैं, ये बहुत ऊंचा अलग टाइप का रिक्शा है और इसमें पहली बार बैठे हैं, और टांगे लंबी है तो नीचे तक पैर पहुँच रहे हैं, मुझे लग रहा है हर किसी के तो पहुँचेंगे भी नहीं। तो बस चलते हैं गोदौलिया चौराहा जहाँ अपना रूम है, कुछ पेट पूजा करेंगे और निकलना भी है, निकलने की तैयारी।